come back of you in another video in this YouTube channel CE&T Civil Engineering and Technology. कैसे हम सब फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट mm टू इंच एंड फीट. अक्सर ये देखा गया है कि आपके जो ड्राइंग है वो mm में है, mm में होती है, तो क्या करते हैं कि साइड पर मेज़र करते हैं फीट में, इंच में, कितना फीट है. मुझे mm में मत बताओ, मुझे फीट में बताओ. मुझे mm समझ में नहीं आता है, मुझे मीटर समझ में नहीं आता है. मैं मेजरमेंट चाहता हूँ कि ये इंच में हो जाए, कितना इंच है कि ये है, कितने फीट की है. अगर आपका फीट आ रहा है पॉइंट में, तो कितने फीट, कितना इंच, कितने सूत हुआ और कितने mm हुआ. ठीक है, अगर आपकी सपोज़ कीजिए कोई लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ कितने mm की, सपोज़ कीजिए 1200 mm की हो गई, ड्राइंग में जो शो कर रहा है वो इतने mm की शो कर रहा है, या फिर किसी ने बता दिया इतने mm की है, तो आप क्या करेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मुझे नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आता है mm या मीटर समझ में नहीं आता है, मुझे तो फिट में, इंच में और सूत में बताओ कितना हुआ, क्योंकि आप साइड पर मेज़र कर पाएंगे आसानी से. अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो भी, जो अगर आपका फिट आएगा, सपोज़ कीजिए 12.30 आ गया आपका फिट आ गया पॉइंट में, फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन तो कर लोगे बट लेकिन साइड पे मेज़र नहीं कर पाओगे. तो मेज़र करने के लिए आपको अगेन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिट में, इंच में, सूत में. ठीक है, तो वही सीखते हैं इसमें. तो आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी, घंटी को दबा दीजिए. जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी और आपको मिस नहीं होगी. तो प्लीज़ दोस्त, इस प्लीज़ सब्सक्राइबर्स, इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो कोई भी वीडियो आप मिस ना कीजिए, बिकॉज कौन सी नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल रह जाए वो आपको भी नहीं पता होगा. तो हर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो, या कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, या फिर ये मिस मत कीजिए. चलो आगे शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक लेंथ है हमारे पास 1700 mm. ठीक है, मेरा एक सीनियर है, ये मेरे जूनियर भी है, तो उनको बताते रहता हूँ अक्सर, तो जो ड्राइंग होती है mm में है वो उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनको शाल उनके साथ भी शेयर कर दूँ और आपको भी शेयर कर दूँ, तो आप भी अच्छे से सीख जाएँ कि mm है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है फिट में, इंच में, सूत में. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे कि कैसे करना है. ठीक है, 1700 mm है, उसको कन्वर्ट करना है आपको इंच और फीट में. तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है मीटर, यहाँ पर 1700 mm है, 1700 mm को आपको डिवाइड करना है 1000 से, 1000 डिवाइड करने के बाद आपको निकल आती है मीटर. ठीक है, 1 मीटर आपको पता होना चाहिए 1000 mm होते हैं, तो इसको आपने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 1.70 आपके पास मीटर लेंथ आ जाती है. क्लियर, अब मीटर को आप सिंपल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फिट में, तो 1.70 आपके पास है मीटर. ठीक है, 1700 mm को आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 1.70 इंटू 3.28, तो 3.28 से मैंने इसको गुना क्यों किया, बिकॉज आप निकाल रहे हैं फिट, ये लेंथ को आपको कन्वर्ट करना है फिट में, तो इन दोनों गुना करने के बाद आपके पास आ जाता है 5.576 फिट. ठीक है, तो आप ये जो लेंथ आ गई है, ये लेंथ आपको कैलकुलेशन करने में तो आसान रहेगी, लेकिन साइड पर आप इसको मेज़र नहीं कर सकते, मतलब इंची टेप में कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. तो 5.576 आपके पास ये लेंथ है फीट, तो जो ये लेंथ आ गई फीट. ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है फीट इन सूत में, तो 5 फीट एज इट इज रख लेता हूँ मैं, तो इसके बाद अब 0.576 फीट, तो ये 0.576 ये क्या आपके पास है फीट. आपको पता होना चाहिए 1 फीट में होते हैं 12 इंच, तो ये फीट है, तो आपको कन्वर्ट करना है इंच में, तो ये इंच होते हैं 12 इंच, तो इन दोनों को गुणा किया मैंने, तो 6.912 इंच आ गया है. अगेन आपके पास पॉइंट में आ गया है, तो क्या रख लेते हैं, तो यहाँ पे अलग से मैं रख देता हूँ, तो हमारे पास निकल गया 1700 mm में 5.76, तो ये अलग से रख देता हूँ मैं 5 फीट. ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आया 6, ये आ गया आपका 6 इंच. ठीक है, अब पॉइंट में आ गया है, ये पॉइंट भी आपका इंच में है, ये आपका इंच में पॉइंट में, तो ये इंच से छोटा क्या होता है, सूत होता है, सबसे बड़ा होता है आपका मीटर, मीटर से छोटा आपने क्या किया फीट, फीट से छोटा क्या है आपका इंच, इंच से छोटा है आपका सूत, तो चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सूत में, तो 6.912 इंच है, ये आपके पास है इंच है, तो 6 इंच मैंने एज इट इज रख लिया है, तो प्लस मैंने क्यों किया, तो पॉइंट है, तो 912 आपको कन्वर्ट करना है सूत में, तो ये आपके पास है इंच, 1 इंच में होते हैं 8 सूत. ठीक है, तो कन्वर्ट सीधा कन्वर्ट कर लिया सूत में,
तो 6 इंच प्लस तो 0.12 × 8 तो क्या हुआ 7, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे आपको कन्वर्ट निकल जाएगा सूत्र में, इन दोनों को गुणा किया 7.29 सूत आ गया, ठीक है। तो आपकी लेंथ क्या बनी, 1700 mm कन्वर्ट किया आपने 5 फुट 6 इंच, तो यहाँ पे आया था 5 फीट, तो अगेन आपके पास पॉइंट में था, इसको आपने कन्वर्ट किया फिट को इंच में, तो आपके पास आ गया 6.6 इंच। उसके बाद ये आपका पास है 0.929, इसको कन्वर्ट किया आपने फिट सूत में तो 7.29, तो 7 सूत आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, तो 7 सूत 0.29 समथिंग है, तो इसको आप 7 सूत तो 1 इंच में होते हैं 8 सूत, तो 1 सूत थोड़ा पॉइंट में भी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फुट 6 इंच 7 हो गया, तो 7 इंच हो गया, 7 इंच, ठीक है। इसको हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा डिफरेंट है बस, सूत में 1 सूत को बढ़ा लेते हैं, तो इसके आप मतलब ये ले सकते हैं, ये समय से ले सकते हैं, तो 5 फीट 7 सूत अगर एग्जैक्ट लेना तो ये आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल होगा, एक और देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें आपके पास है 2400 mm कोई लेंथ है, आप देखते हैं। तो इसमें सेकंड एग्जाम्पल क्या है, अगर आपके पास है कोई लेंथ है 2400 mm की लेंथ है, तो उसको आपको देखना है कैसे फिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, आपका 2400 क्या है, आपके पास mm है, mm, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, मीटर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी आपके 2.40 मीटर के बराबर होगा, ओके। तो उसके बाद देखते हैं अगर आपके पास मीटर में लेंथ है, ठीक है, 2.40 मीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीट में, तो 3.28 एक मीटर में होते हैं 3.28 फीट, ओके। और आपके पास है 2.40 मीटर, दोनों को ना कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 7.872 फीट। आपके पास 2400 mm को आपने कन्वर्ट किया इतने फीट में, ठीक है। आप कैलकुलेशन तो निकाल लेंगे, जैसे कोई वॉल है, इसकी वॉल है ये, इसकी दीवार की लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं आप, तो उसमें कैलकुलेशन निकालने की तो आसान है, पर लेकिन आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेज़र करेंगे, तो वहाँ पे किस तरह से इसको मेज़र करेंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 7.8872 फीट, ठीक है, ये फीट है, ये 7 फीट तो आपको क्लियर हो चुका है, 7 फीट एस इट इज रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 0.872 फीट, तो 0.872 फीट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंच में, क्योंकि फीट से छोटा जो इंच है मेज़र कर सकते हैं हम इंच में, तो फीट है आपके पास और इंच है, इंच में कन्वर्ट करना है, तो इसको गुणा कर देते हैं तो 10.464 इंच आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 फीट 10 इंच आ गया है, अगेन आपके पास फीट अगेन आपके पास पॉइंट में आ गया है, तो इंच से छोटी यूनिट इसको तो आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसको आप क्या करेंगे, इंच से जो छोटी यूनिट होती है वो आपके पास है सूत है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सूत में इस यूनिट को, ठीक है। तो आपके पास 10 इंच आ गया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अलग से ही 7 फीट, और यहाँ पे आपने निकाल लिया 10 इंच, ठीक है, इस यूनिट में, ठीक है। आप इंच टेप निकालेंगे तो वहाँ पे आपको निकल जाएगा, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा दोबारा, ठीक है। तो देखते हैं आपके पास 10 फीट, और ये आपका इंच हो गया, ठीक है, ये आपके पास इंच है, तो इंच को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके पास लेंथ आ गई 10.464 इंच। तो 10 इंच हमेशा याद रखना है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि 10.464 इंच, ठीक है, ये आपको नहीं बोलना है, अगर पॉइंट के बाद हमेशा 1 1 डिजिट बोलते हैं, ठीक है, तो 10.464 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना है 10.464, ठीक है, या 4640 कुछ भी नहीं, तो 10.464 जितने पॉइंट आएंगे पॉइंट के बाद जितनी यूनिट आती है वो सिंगल सिंगल यूनिट बोली जाती है, तो ठीक है, तो इस बात का रखना है। तो इतने इंच हो गया, तो 10 इंच हमने ऐसे टीज रख लिया यहाँ पे 10 इंच तो पॉइंट में है, इसको हम क्या से मेजर करेंगे, इसको तो मेजर करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सूत में, तो 0.464 आपके पास है इंच, और एक इंच में होते हैं आपके पास 8 सूत, तो मैं यहाँ पे डिजिट बना रखा है मैंने, तो एक फीट में होते हैं 12 इंच, और एक सूत में होते हैं 1/8, बिकॉज एक इंच में होते हैं 8 सूत, तो एक सूत में हम कैसे निकालेंगे, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं एक सूत में होते हैं 3.175 mm, ये कैसे आया, देखिए 8 सूत मतलब कैसे होगा, 1 इंच, तो 1 इंच में होते हैं 25.4 mm, एक इंच यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1 इंच, तो 1 इंच बराबर होगा 8 सूत के, तो 8 सूत कितने हुआ 25.4 mm के, तो सिंपल, तो 1 सूत निकालना है हमें, तो ये सूत हमें चाहिए 1 सूत, तो 25.4 mm को भाग कर देगा सिंपल 8 से, तो 1 सूत में निकल जाएंगे इतने mm, ठीक है, तो वही देखना है, तो 0.4684 × 8, 8 के आपके सूत है, इतने इंच है, इंच में आपको कन्वर्ट करना है सूत में, तो 3.712 सूत आ गए।
अगेन आपके पास पॉइंट में आ गया, चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अगेन एमएम में, ठीक है। सो उसको हम इससे छोटा यूनिट आएगा एमएम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से 10 फीट, 7 फीट 10 इंच, उसके बाद आ गया आपके पास 3 सूत, तो यहाँ पे 3 सूत लिख देता हूँ मैं। उसके बाद लिख लेते हैं सूत से छोटा यूनिट आपके पास एमएम, अगेन इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए एमएम में, यहाँ पे आप एमएम था अगेन एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख रखा है 3.712 सूत, तो 3 सूत हो गए प्लस, तो 0.712, यहाँ पे आपके पास 0.712 क्या है सूत है, तो गुना 3.172, बिकॉज आपके पास है एक सूत में होते हैं, यहाँ पे एक सूत है तो 3.175 mm, तो गुना कर देंगे सिंपल, ये सूत को कन्वर्ट करें आप एमएम में तो एमएम में ही गुना करेंगे, तो सिंपल 2.26 mm ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर 2.5 mm, अभी 2 mm ही लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एमएम से छोटा यूनिट इंच टेप में होता नहीं है, एमएम से छोटी यूनिट इंच टेप में नहीं है, तो 2 mm ही ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 फिट 10 इंच 3 सूत 2 mm, ठीक है, आपके पास आ गया 2400 mm आपके बराबर लेंथ होगी 2.40 मीटर के, और 7 फिट 10 इंच के, और 3 सूत 2 mm, ये लंबी लेंथ हो गई, ठीक है। चलो एक इंच टेप में हम इसको मेजर कर लेते हैं, चलो मैं पहले, ठीक है, आपको इंची टेप है हमारे पास, तो इंची टेप में देख लेते हैं 2400 mm क्या ये सही है, 7 फिट 10 इंच 3 सूत 2 mm सही है, चलो इंची टेप में देख लेते हैं 2400 mm, तो हमारे पास देखते हैं 2400, ये आपके पास 2300, ये आपका 2400, ठीक है, ये आपका 2400 आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400, ठीक है, ये 2400 mm है, 2400 यहाँ पे 2400 mm है, और कितने mm की मीटर के बराबर है 2.40, तो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर आप इसको ले सकते हैं, 240 ही क्या सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा है छोटा सा यूनिट, ठीक है, छोटा सा यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो छोटी यूनिट होती है 1 सूत है, फिर 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये चार आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 3 सूत है, तो 3 सूत हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो छोटी छोटी यूनिट है आधा आधा सूत होता है, तो ये वाला आपके पास जो 2 हो जाएंगे तो 2 सूत हो जाएगा, ठीक है, तो 3 सूत, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका ये 4 सूत, ये होगा 4 सूत, तो नहीं ले सकते, फिर 2 mm लेना है, तो 3.5 mm का कुछ mm होता है, तो यहाँ पे इतना यूनिट लेने के बाद आप 3 सूत भी ले सकते हैं या 4 सूत भी ले सकते हैं, क्योंकि वो 2 mm है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सूत आ जाता है इसके सामने 2400, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आएगा 1 mm से आधा, ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल यूनिट सही हो गया आपका, मेजर कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं 7 फिट 10 इंच और 4 सूत भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 mm है, 2 mm कितना कितना छोटा है एक सूत से, ये आपका 3 mm समथिंग है, ठीक है, ठीक है, बस 1 mm छोटा है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं साइड पे, इतने ये भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर एग्जैक्ट लेना है तो ये ले लेंगे, तो अगर नहीं लेना है तो आपको 10 फुट 7 इंच 7 फीट 10 इंच, तो 3 फुट 2 mm है, तो दे हम सब थोड़ा बस हल्का बड़ा है 1 mm, तो आपको सीधा इसको ना लेकर mm को ना लेगा सीधा 4 सूत ले लेंगे, बिकॉज आप मेजर कर रहे हैं इंच फीट सूत में ही जस्ट ओनली, ओके। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखते हैं, आपके पास 3 फीट 4.5 इंच है, अगर आपके पास है 3 फीट 4.5 इंच, तो उसको कैसे कैसे लेकर आएंगे फिट में, तो 3 फीट 4.5 इंच है, तो 3 फीट प्लस, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको फिट में, तो 3 फीट प्लस 4.5 इंच, 4.5 इंच है, उसको भी कन्वर्ट करना है आपको फिट में, तो 4.5 इंच को कैसे करेंगे, तो 4.5 इंच प्लस 0.5, आधा इंच को क्या लिखेंगे आप 0.5 इंच में, 4 इंच प्लस 0.5 इंच, इसको प्लस कर लेंगे 4.5 इंच, ठीक है, तो 3 प्लस 4.5 इंच, इसको आप कन्वर्ट करना आपको फिट में, तो सिंपल 12 से भाग कर देंगे इसको, आपको निकल जाएगा फिट में, क्योंकि आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन, तो फिट में कन्वर्ट करना है आपको, तो 3 फिट प्लस, इससे भाग से 12 से भाग दिया हमें, तो 0.375 फीट आ जाएगा, इसको प्लस कर दें 3.375 फीट कैलकुलेशन निकालने पर, ठीक है, जैसे 3 प्लस 4.5 इंच है, तो 4.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5, सिंपल इसको 12 से भाग कर देना है, तो बस जो भी आएगा आपके पास 3, और ये जो भाग आएगा तो 3.375, ठीक है, इस तरह सिंपल, घबराना नहीं है, आधा इंच ही है, या अगर 1/4 भी है तो 4 से इसको भाग कर लीजिए, और 4 प्लस 1/4 से भाग जितना भी आएगा तो 0.25, तो 4.25, तो सिंपल इसको 12 से भाग कर दीजिए, क्योंकि फिट में निकाल रहे हैं, फिट में निकालने के बाद जो आएगा वो कैलकुलेशन, चलिए देख लेते हैं 4 फिट 2.5 इंच है, तो उसको कन्वर्ट करना है फिट में, तो 4 फिट और 2.5 इंच है, तो 2 इंच प्लस आधा इंच को क्या लिखेंगे आप 0.5, तो इसको 2.5 भी लिख सकते हैं,
2.5 इंच भी लिख सकते हैं, 2.5 इंच को आप पॉइंट में लिखेंगे तो 2.5 इंच लिख सकते हैं। तो 4 फीट प्लस 2.5 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल 12 से भाग कर देते हैं, आपको क्या निकल जाएगा, फीट, फीट में निकल जाएगा, इंच को कन्वर्ट करते हैं फीट में। तो 4 फीट प्लस 0.208 फीट, तो दोनों प्लस करेंगे ये फीट आ जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का पे बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।